दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं अपने सैमसंग के सैमसंग गैलेक्सी M34 5G स्मार्टफोन को कम्प्लीटली UI 6.1 का अपडेट जो है इस स्मार्टफोन के अंदर करने वाले हैं। पहले हम सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद अपने स्मार्टफोन को इंस्टॉल करेंगे इस अपडेट को। UI 6.1 का जो सॉफ्टवेयर अपडेट मिला है मई के सिक्योरिटी पैच के साथ में, इसके अंदर जो है बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिले हैं, जो कि आने वाले मेरे वीडियो के अंदर इस चैनल पर आपको जो है फुल्ली का वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से हम अपने स्मार्टफोन को फटाफट जल्दी से अपडेट कर लेते हैं और थोड़ा सा यहाँ पे अपडेट करने के बाद क्या लुक आता है क्या नहीं आता है पूरा मैं आपको इस वीडियो में रिव्यू इस स्मार्टफोन का देता हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा आप लोग। चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, क्योंकि मैं आप लोग बता दूँ कि बहुत सारे आप लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो जल्दी से हम अपने इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लेते हैं फटाफट और इंस्टॉल करते हैं, तब तक वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। तो फाइनली दोस्तों, हम अपना सैमसंग का सैमसंग गैलेक्सी M34 5G स्मार्टफोन फाइनली यहाँ पे जो है अपडेट कर लिए हैं, सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लिए हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर। और लगभग इस स्मार्टफोन को अपडेट करने में लगभग 10 से 12 मिनट का समय लिया, 10 से 12 मिनट का टाइम यहाँ पे मेरे को लगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वेलकम टू UI 6.1 यहाँ पे आ चुका है। और सिंपली आपको इसे अपडेट करने के बाद क्या करना है, सिंपली आपको यहाँ पे एक्सप्लोर पे क्लिक करना है। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं डू ए मोर विथ ए सैमसंग अकाउंट, यहाँ पे कुछ बोल रहा है साइन इन करने के लिए। तो हम यहाँ पे साइन इन नहीं करेंगे, यहाँ पे बैक आ जाते हैं।
और यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है साइन इन करने के लिए, तो इस सेटअप लेटर इन सेटिंग यहाँ पे से कर देते हैं। साइन इन अभी हमें जो है नहीं करना है दोस्तों, तो हम जो है लेटर यहाँ पे कर दिए हैं, सेटअप हम जो है साइनिंग बाद में करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं फाइनली यू आर ऑल सेटअप यहाँ पे हो चुका है। डन पे क्लिक करते हैं। डन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सबसे पहले हम अबाउट फ़ोन के अबाउट सेक्शन में चलेंगे और यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं पहले से इसका हमें काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस यहाँ पे देखने को लग रहा है। और मैं आपको अपने इस वीडियो में अपने चैनल पर जो है आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इसका जो है परफॉर्मेंस क्या हमें मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि अभी तक तो अभी हम जो है अपने फ़ोन को अपडेट किए हैं और यहाँ पे बहुत सारे हमें जो है चेंजेस भी यहाँ पे देखने को मिले हैं। एक बैटरी वाला ऑप्शन था, मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ, यहाँ पर फ़ोन जो है मेरा अपडेट हो चुका है। एक बैटरी वाला ऑप्शन था, यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी वाले ऑप्शन में जाते हैं तो यहाँ पे बैटरी प्रोटेक्शन में यहाँ पे अगर क्लिक करने पे यहाँ पे ऑप्शन और भी यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ये पहले जो है देखने को नहीं मिलता था। तो इसका फुल रिव्यू भी वीडियो आपको जो है मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्द। इसके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं छोटे मोटे और बहुत सारे यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं, तो मैं आपको अपने वीडियो के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। जो भी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं, जो भी यहाँ पे नहीं हुए हैं, पूरा मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपने वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी यही था फुल रिव्यू। और यहाँ पे फ़ोन के हम सेटिंग के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट वाले ऑप्शन में आते हैं। यहाँ पर देखिए लास्ट अपडेट यहाँ पर जो है हो चुका है UI 6.1 का। और यहाँ पर जो है UI 6.1 पे जो है फ़ोन मेरा वर्क करने लगा है और बहुत सारे स्मार्टफोन के अंदर जो है ये अपडेट जो है देखने को मिल गया है, और जो बचे खुचे स्मार्टफोन हैं उन स्मार्टफोन के अंदर भी जो है देखने को मिल रहा है। तो आपका अगर फ़ोन एलिजिबल है तो आपको थोड़ा सा वेट करना है, जैसे ही सैमसंग ने कम्प्लीटली जो है सॉफ्टवेयर जो है बिल्डअप हो जाता है तो आपके फ़ोन में जो है देखने को मिल जाएगा, सॉफ्टवेयर सैमसंग ने रिलीज़ करा देगा। यहाँ पे मई का जो है अपडेट देखने को मिल गया है इसी स्मार्टफोन के अंदर विथ UI 6.1 के साथ में। यहाँ पे अगर हम लॉक स्क्रीन की बात करते हैं तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन में यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पे लॉक स्क्रीन पे प्रेस करके रखे रह रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चेंजेस अगर हम देखने को मिलता है तो यहाँ पर देखिए वॉलपेपर वाले ऑप्शन में आई थिंक हमें जो है एक वॉलपेपर का ऑप्शन जो है देखने को मिलता था ग्राफिकल वाले ऑप्शन में। ये वाले यहाँ पे दो वॉलपेपर हमें जो है देखने को मिल जाता है, ये वाला। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो में फुल रिव्यू वीडियो लेकर आऊँगा। तो तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। मैं काफ़ी टाइम से जो है इस फ़ोन को अपडेट नहीं किया था तो अपडेट किया है, फुल रिव्यू का वीडियो आप लोगों के साथ सामने जो है शेयर किया है, तो लाइक कर दीजिएगा।